तो टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए, इसके अलावा T20 के लिए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जसप्रीत बुमराह की एंट्री नहीं हुई है अब तक टीम इंडिया में, वही जसप्रीत बुमराह जिनको कि चयनकर्ताओं ने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में वापसी करा दी, और उसके बाद ये खबर आई कि भाई अभी भी पूरी तरीके से फिट नहीं है और उनको लेकर कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। तो ये तो एपिसोड आपने देख लिया, लेकिन आपको बता दें जो सोर्सेस से स्पोर्ट्स टॉक को इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो भारतीय टीम के साथ खेलते हुए नजर आएंगे या उनका जो चयन किया जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बाकी के जो दो टेस्ट मैचेस हैं उसमें जसप्रीत बुमराह की टीम इंडिया में एंट्री हो सकती है। ये खबर आ रही है कि जसप्रीत बुमराह आखिरी दो टेस्ट मैचेस में टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं या टीम में उनका चयन हो सकता है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस हैं उसमें जसप्रीत बुमराह फॉर श्योर टीम इंडिया के लिए खेलेंगे और उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन यह खबर आ रही है सोर्सेस से कि जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के लिए खेलते हुए देखेंगे, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी दो टेस्ट मैचेस में उनका चयन किया जाएगा, क्योंकि इस समय जो टेस्ट मैचेस में टीम का चयन किया गया उसमें तेज गेंदबाजों में मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज है, जयदेव उनादकट है, आपके उमेश यादव है, और माना जा रहा है कि आखिरी दो टेस्ट मैचेस में हो सकता है कि बुमराह की एंट्री हो जाए या फिर जो आखिरी 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी हमें ऑस्ट्रेलिया से खेलना है वहां पर बुमराह फॉर श्योर टीम इंडिया के साथ में आते हुए दिखेंगे। एनसीए में लगातार इस समय अभ्यास कर रहे हैं, फिटनेस पर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जब भी आए उसी तरीके से बुमराह परफॉर्मेंस करे, नहीं तो बुमराह को दुनिया भूलती जा रही है और ऐसे में तो फिर क्या ही कहा जाएगा। बुमराह की कमी मुझे तो नहीं खली है, लेकिन अगर आकर बढ़िया परफॉर्मेंस करते तो टीम इंडिया के लिए बेहतर होगा। सिर्फ हो हल्ला नहीं होना चाहिए कि बुमराह वर्ल्ड कप के लिए बड़े जबरदस्त प्लेयर होंगे, ये होंगे वो होंगे, उससे पहले बुमराह को अपने आप को साबित भी करना पड़ेगा। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक सबसे पहले आपको बता रहा है यह आखिरी दो टेस्ट मैच में या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है वहां पर जसप्रीत बुमराह टीम में वापसी करेंगे, उससे पहले के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया, वहां पर जसप्रीत बुमराह की एंट्री नहीं हुई है। लेकिन आखिरी दो टेस्ट मैच और जो 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें खेलना है वहां पर बुमराह आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। आप बने रहिए इसी तरीके से स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, अपना प्यार देते रहिए।